राजस्थान विधानसभा में इन दिनों बजट सत्र चल रहा है। विधानसभा के बजट सत्र में कई मांगों को लेकर बहस चल रही है। इस दौरान बाड़मेर के बैतूल सीट से कांग्रेस के विधायक हरीश चौधरी ने भजनलाल सरकार के बजट को ठाकुर के कुएं की संज्ञान की। बता दें, राजस्थान की पुरानी कहावत के अनुसार ठाकुर का कुआ जातिगत सोच को दर्शाता है। ऐसे में हरीश चौधरी के इस बयान पर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। नमस्कार, मैं हूँ शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी विधानसभा में ठाकुर का कुआं नाम की एक कविता पढ़ी थी। इस कविता में ठाकुर शब्द को लेकर राजपूत समाज के विधायकों ने विधानसभा में कड़ी आपत्ति जताई थी। हरीश चौधरी बोले थे, बजट के अंदर दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की क्या स्थिति है, ये हम लोग महसूस कर सकते हैं। ऐसे में बजट को पढ़ने के बाद ओम प्रकाश की कविता याद आती है। उन्होंने कविता पढ़ते हुए कहा, बेल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल्की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआ ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव देश शहर। हरीश चौधरी के इस कविता के बाद राजस्थान में अब राजपूत समाज कांग्रेस के खिलाफ हो गया है। फिलहाल इस मुद्दे पर विपक्ष खामोश है और सत्ता पक्ष चुटकियां ले रहा है, क्योंकि 5 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव आने वाले हैं। ऐसे में हरीश चौधरी की ये कविता कांग्रेस के लिए गले की फांस बनने वाली है। हालांकि इस बयान को फिलहाल विधानसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया है। वहीं बाड़मेर की शिव सीट से निर्दलीय विधायक प्रवीण सिंह भाटी ने चौधरी पर तंज कसते हुए कहा था कि रिफाइनरी कौन खा गया। कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी को ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और राजपूत समाज के सबसे बड़े संगठन श्री राजपूत सभा ने बयान जारी कर माफी की मांग की है। इसके अलावा कंडी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने भी माफी मांगने की बात की और ऐसा नहीं होने पर सबक सिखाने के साथ साथ सड़कों पर उतरने की धमकी भी दी। हरीश चौधरी को इस बयान के बाद परायों की नहीं बल्कि अपनों की भी नाराजगी झेलनी पड़ी। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी चौधरी के बयान पर नाराजगी जताई। बहरहाल लोकसभा चुनाव में राजपूत समाज की नाराजगी झेल चुकी बीजेपी को बड़ा झटका लग चुका है। हरीश चौधरी के इस बयान ने अब कांग्रेस को भी बड़े वोट बैंक के उस ट्रांसफॉर्मर के नीचे खड़ा कर दिया है, जहां आने वाले उपचुनाव में इसका कारण दिखना तय है। भले ही पूरे बयान को विधानसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया हो, लेकिन सदन के भीतर से शुरू हुआ बवाल अब सदन के बाहर भी नजर आने लगा है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।